अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल साहब टेलरिंग। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा एक कुर्ता टॉप स्लिटेड टॉप। तो दोस्तों बहुत ही यूज़फुल कटिंग है, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो वॉच करेगा तो तभी कटिंग समझ में आएगा, स्किप करके दिखेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही ईजी तरीके से एक कुर्ती टॉप कैसे कटिंग करते हैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है इसका मेजरमेंट, इस मेजरमेंट से मैं इसको कटिंग करूंगा अभी। सबसे पहले दोस्तों इसका लंबाई का माप ले लेंगे, इधर से थोड़ा अंदर की तरफ लाइन मार के इसका लंबाई का माप ले लेंगे। उसके बाद इसका जो शोल्डर है 14 इंच का, 14 इंच का मार्क करेगा। ये हाई नेक कुर्ती है दोस्तों। उसके बाद इसका जो आर्म होल गिरेगा 15 इंच आर्म होल है, इसके लिए 6.5 इंच का मार्क करेगा। अब इसके बाद मैं इनको सीधा कर देगा। उसके बाद वेस्ट का लाइन जिसमें आएगा 13 इंच पे, उसके बाद 21 इंच पे स्लिट का राउंड आएगा, इस लाइन को भी सीधा करेगा, इस लाइन को भी सीधा कर देगा। अब इसमें जो जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट को फॉलो करके 2 इंच 2 इंच लूजिंग छोड़ देगा। जैसे इसका चेस्ट है 34, तो 2 इंच लूज करके डिवाइड से 4 से मार्क कर देगा 9 इंच पे। उसके बाद जैसा वेस्ट है 30, 2 इंच लूजिंग छोड़ के 32 में मार्क कर देगा। अब जैसा है स्लिटेड 36, 2 इंच लूज छोड़ के मार्क कर देगा। अब इसके बाद इस मार्किंग को फर्स्ट 2 इंच स्ट्रेट मार्क करेगा, उसके बाद इसको सीधा कर देगा, इसको भी लाइन को सीधा कर देगा। अब इसका देखना 35 मेन डील जिसका मेजरमेंट है उसको 2 इंच लूज करके जितना आएगा 37 उधर मार्क कर देगा। ये हो गया। अब ये लाइन को इधर सीधा कर देगा, ये हो गया। इसके बाद जो फुल लंबाई है लंबाई का जगह पे लाइन को सीधा करेगा, अब ये जो मेजरमेंट है यही मेजरमेंट इधर भी रखेगा। अब इसके बाद इसको इस तरीके से सीधा कर देगा। अब आया इस आर्म होल को राउंड शेप दे देगा, तो इसका कटिंग होगा। इसके बाद बैक का गला कट कर देगा, 3 इंच लेके बैक में 4.5 इंच का डीप आएगा,
इधर से इस लाइन को सीधा कर देगा, तो उसका राम से दे देगा, इसका गला कट कर देगा। तो हो गया बैक की कटिंग। अब इसका इसी की मदद से फ्रंट कट कर लेगा। इस तरीके से इसका ऊपर रख देगा। अब सेम वही ट्रेसिंग व्हील की मदद से इसको पूरा ये मार्किंग से ट्रेसिंग कर लेगा। निशाना भी मार देगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। सेम उसी के बराबर कट कर लेगा। इधर दोस्तों 1.5 इंच मार्जिन, इधर 1 इंच मार्जिन, इधर 2 इंच। ये हो गया हमारा फ्रंट बैक कटिंग। अब इसके बाद फ्रंट जैसा हॉर्मोन गिरता है वैसा आर्म होल को कटिंग कर लेगा। इसके बाद जो फ्रंट का हमारा गला बनेगा 6 इंच पे, ऐसा बॉक्स का जैसा ड्रॉ करके इधर भी राम सेप दे देगा। अब इस निशाने में कट कर लेंगे। यह हो गया। अब इस शोल्डर का जगह थोड़ा डाउन कर देंगे दोनों की, यही बड़ा हो डाउन कर देंगे। ये दोस्तों फ्रंट एंड बैक बॉडी पार्ट हो गया। अब इसका स्लीव पार्ट कट करेगा, थोड़ा प्रेस कर लेंगे कपड़े को ताकि कटिंग करना में आसान हो। अब ऐसा रख के जितना आपका बाजू का लंबाई है 14 इंच, इसमें 14 इंच लंबाई है, 9 इंच का राउंड है। फोर्टीन इंच पे सीधा मार्क कर देंगे, इधर 9 इंच राउंड का लिए मार्क कर देंगे, इधर 3 इंच पे हॉर्मोन गिराएंगे। अब इधर 15 इंच पे कटिंग करेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा होगा, थोड़ा लूजिंग होगा। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे 1.5 इंच मार्जिन, इधर भी 1.5 इंच मार्जिन। इस लाइन को थोड़ा इस तरफ से कर देंगे। अब इसको इस जैसा फ्रंट साइड कटिंग होता है ऐसा ओपन करके
हेलचेट को पटका देंगे। ये हो गया हमारा स्लिप कटिंग। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक है, देख सकते हो बैक फ्रंट और स्लिप इसमें आप लोगों को तीनों सिखाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग मेरा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो। आप लोग सपोर्ट करेगा तभी मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार ऐसा ही अच्छा नॉलेज वाला कटिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।